अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों खत्म में हाजिर हूँ। और रिक्वेस्ट ये है कि हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो वीडियोज़ बना रहे हैं हम लोग, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों में है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकें। अच्छा, एक कमेंट्स कल किसी ने किया था कि ज़रा ब्रेक लगा के बोला करें, स्लो स्लो बुला के ताकि कुछ समझ में आए। देखें, आप लोग ही कमेंट करते हैं कि भाई इतना टाइम नहीं होता, लंबी लंबी वीडियो मत बनाया करो, शॉर्ट वीडियो बनाया करो, जल्दी बनाया करो, जल्दी बोल के वो कर दिया करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी इतनी लंबी वीडियो 8-8 10-10 मिनट की वीडियो देखें। तो ये कमेंट भी आप लोगों ने किया था कि शॉर्ट वीडियो बनाओ और जल्दी बोल के वीडियो 2-3 मिनट की ख़त्म कर दिया करो। तो दोनों कमेंट्स आप ही लोग करते हैं कि एक कभी करते हैं कि स्लो बोला करो, कभी तेज़ करते हैं। बहरहाल चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो बैंक अल अबीब से रिलेटेड है। बैंक अल अबीब पाकिस्तान का बहुत पुराना बैंक और बहुत ही मशहूर बैंक और बहुत ही फेमस बैंक, आपको मुख्तलिफ जगह पर इसकी ब्रांचेज मिलेगी। इसका अकाउंट है जनाब पेंशन सेविंग अकाउंट, प्रॉफिट इसका बहुत ज़बरदस्त है। बैंक अल अबीब की जो चीज़ें हैं वो भी अच्छी हैं, चीज़ें अच्छी से मुराद ये है कि इनकी जो सर्विस है बैंक अल अबीब की वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही शानदार है, स्टाफ अच्छा होता है, सर्विस अच्छी मिलती है आप लोगों को। तो चलते हैं, इनके अकाउंट है पेंशन सेविंग अकाउंट, इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, 20.75% इसका प्रॉफिट है और ये पेंशन सेविंग के लिए बनाया गया इन्होंने। इस अकाउंट में आप अपने जो पेंशन वो रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस अकाउंट में पैसे सेव करते हैं या पैसे जमा करवाते हैं जो कि बेसिकली ये अकाउंट है, तो आपको इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता है, 20.75% इसका पर एनम प्रॉफिट है इसका। और चलते हैं फिर अदर बेनिफिट्स की तरफ। इनके नो इनिशियल बैलेंस और मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, इनिशियल कोई बैलेंस या मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नो चार्जेस ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग के वक्त और क्लोजिंग के वक्त कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा जनाब, उसके बाद फ्री ऑनलाइन बैंकिंग है, उसके बाद फ्री चेकबुक है, फ्री SMS अलर्ट्स है, बैंकर्स चेक फैसिलिटी यानी पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट वगैरह हो गया, फ्री पे बैक डेबिट कार्ड वो फ्री है, एट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट ठीक है वो हमने देख लिया। अच्छा, उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी ठीक है, ये भी सही है, तमाम बैंकों ने तकरीबन ऑनलाइन फैसिलिटी दी भी। इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट ओनली ठीक है, मंथली प्रॉफिट पे आउट हर महीने इसका आपको प्रॉफिट मिलेगा, वेरी गुड। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर और मंथली एवरेज बैलेंस, प्रॉफिट आपको जो कैलकुलेट होगा, जो आपका मंथली एवरेज बैलेंस होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी इसकी। अच्छा जनाब, और मज़ीद इसके अंदर क्या है? अच्छा, आपको अकाउंट खुलवाने का जो सिंपल तरीका है वो यही है, आप अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेंगे और इसके अलावा एक इनकम प्रूफ में आपका जो है ना जॉब कार्ड भी आ जाता है, सैलरी स्लिप भी आ जाती है, या पेंशन आता है और पेंशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेंशन के और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी कॉपी आप साथ अटैच कर दें तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। एक एहतियातन बिल की कॉपी रख लीजिएगा एहतियातन, उसके अलावा एक फॉर्म, ये फॉर्म देंगे आपको, उसको फॉर्म में साइन कर देगा, फॉर्म या तो खुद भर दें या जो बैंक का स्टाफ होता है वो भर के दे देगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो उस पर ज़कात डिक्लेरेशन जमा करवा देगा तो आपका ज़कात नहीं कटेगा, CZ 50 कहते हैं उसे। उसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स है, अगर नन फाइलर है तो कैश विदड्रॉ पे विथ होल्डिंग टैक्स है तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स ना जमा करवाएं तो आप सिंपली 50,000 या 50,000 कम से ट्रांजेक्शन पर डे करेंगे तो आपका विथ होल्डिंग टैक्स बच जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो है आपका इसके अकाउंट पर इनकम टैक्स है फाइलर पर 15% और नन फाइलर पर 30%। तो अभी हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ, देखते हैं क्या बनता है इसका। अच्छा जनाब, साल का जो प्रॉफिट बन रहा है आपका 1 लाख के हिसाब से ये कैलकुलेशन है, 20,750 रुपये बन रहे हैं और मंथली प्रॉफिट जो है वो 1,729 रुपये है। इनकम टैक्स जो है फाइलर पे 15%, जिसके अमाउंट 259 रुपये बन रहा है और मंथली प्रॉफिट इनकम टैक्स काटने के बाद 1,470 रुपये बन रहा है 1 लाख पे अगर फाइलर, तो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि बेबू सेविंग सर्टिफिकेट आप देखें तो उसमें अभी 1,380 रुपये मिल रहा है और ये 1,470 रुपये दे रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा चलते हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इस पर 30% टैक्स कटेगा, आपका जो मंथली सालाना प्रॉफिट होगा 20,750 बन रहा है, इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो 1,729 रुपये बनता है, 30% नॉन फाइलर पर टैक्स है 519 रुपये और टैक्स कटने के बाद जो आपका ये अमाउंट बनेगी 1,210 रुपये बनेगी नॉन फाइलर पर, नॉन फाइलर पर 1,210 रुपये और फाइलर पर 1,470 रुपये 1 लाख पर। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो, अल अबीब पेंशन सेविंग अकाउंट, पेंशन जिन लोगों के पेंशन आते हैं वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें से पैसे सेव भी कर सकते हैं।
और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बड़ा अच्छा इनका प्रॉफिट रेट है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। रिक्वेस्ट वही है आप लोगों से, वन सेकेंड, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग वीडियोज़ बनाएं, चाहे नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।